नहीं साहबा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं भी यही तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर मैं यहां क्यों रहूं? जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। क्या हुआ मुझे? अब आप पूरी तरह कोशिश कीजिए कि इन्हें किसी तरह का भी स्ट्रेस ना हो, इन्हें पूरी तरह रेस्ट करने दिए, वरना इनकी हालत और बिगड़ सकती है। थोड़ी सी कमजोरी है, आराम करोगे ठीक हो जाओगी, इसलिए जिद नहीं, आराम करो। तुम्हारा सामान मैं ले आऊंगा सर्वेंट्स क्वार्टर से, यू रेस्ट। हाँ, बहुत गुस्से में था अंगद और मनवीर मामी जी पर भी अच्छा खासा चिल्लाया उसने। हमारे लिए सबसे बुरी बात यह है कि अब वो साहिबा अंगद की निगरानी में। डॉक्टर ने अंगद को साहिबा का खास ख्याल रखने के लिए कहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं साहिबा को वो पैकेट कैसे दूंगी। नहीं, हमें कुछ और सोचना होगा, नहीं तो हर गुजरते पल के साथ इसका असर कम होता जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं तो साहिबा वैसी हो जाएगी पहले जैसी। वही तो। नहीं, मैं साहिबा को पहले जैसा नहीं होने दूंगा। मेरी शादी तुड़वा के साहिबा ने पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बनाया था ना। साहिबा की वजह से अंगद पाजी ने मुझे उस धोखेबाज कीरत से माफी मांगने को बोला। मैं साहिबा को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। साहिबा को अब हम ये देंगे कैसे? वो भी सोच लूंगा। साहिबा झल्ली होके रहेगी और फिर अंगद पाजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साहिबा ने मुझे तड़पाया है ना, अब मैं उसे तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा। क्या है और ये साहिबा के पानी के कैन के पास क्या कर रहा है? क्या हो सकता है ये? और आखिर यहां आया कैसे? आजकल ना भाभी को पहले से कहीं ज्यादा प्यास लगने लगी है। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, साहिबा नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही पानी पी रही है। क्या है ये पाउडर? इसे चेक करवाना पड़ेगा।